सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप देखिए नागपुर में टीम एनर्जी में आज अपनी टीम में करीबन 95 नंबर की कार आ रही है और आज लोग सोच रहे हैं क्या वेस्टइंडीज में सपने पूरे हो रहे हैं। सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, हकीकत में हम वो सपनों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जो टीम एनर्जी में आज 95 नंबर की जो प्रतिभा उड़कर मैडम की कार आई है। तो आइए जानते हैं हमारे यहाँ के टीम एनर्जी के यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर महेश शिंदे सर के थ्रू। आइए सर। मिस्टर महेश सर, आप बताइए आप ये एक्सपीरियंस कैसा बताना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग लीडर्स, माय नेम इज महेश शिंदे, करंट लेवल यूसीडी यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर। आज हमारे विदर्भ के अंदर भी 95 का मिस्टर उड़कर मैम की आ रही है। एक छोटे से बोलते हैं ना कि अरे हाउस वाइफ क्या करती है, हाउस वाइफ तो घर पर रहती है, घर के काम करते हैं, लेकिन आज वेस्टीज प्लेटफॉर्म के अंदर वो हाउसवाइफ जो घर के अंदर रहती है आके बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े लेवल और क्रेटा जैसी 14-14 लाख रुपए की गाड़ियां तक अपने हैंडल करिए। मिस्टर महेश सर, तो फ्रेंड्स सपने सच होते नहीं है, हो रहे हैं, वो भी वेस्टीज के अंदर, विदर्भ के अंदर। इतनी बड़ी आग, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के 94-95 हुई कार, आप सोच सकते हो कि आज लगभग 100 से भी बड़ा आंकड़ा आने वाले 2 महीने के अंदर होने जा रहा है। ये सिर्फ वेस्टीज की ताकत है, वेस्टीज मैनेजमेंट की ताकत है और वेस्टीज लीडर्स की ताकत है। मिस्टर राठी जी। यस, मैसेल्फ नरेश कुमार राठी। मैं सबसे बड़ी बात तो वेस्टीज के मैनेजमेंट को, भारी सर को, दीपक सर को, साथ साथ में कभी भी सिंह से बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे एक आम व्यक्ति को इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया जिसके वजह से हम आम को खास बनाने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सपने भी देखे नहीं थे, कभी छोटी बाइक भी लेना मुश्किल था, आज वहाँ पर हम लोग कारों के सपने, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के सपने देखने लग गए, जिसके वजह से आज आम व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। ऐसे ही आने वाले समय के लिए स्टेप बाय स्टेप हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव आए, साथ साथ में एक हंसी खुशी की लाइफ जो चाहिए, उस चीज़ जो हमारी सोच है उसके साथ साथ में जो हमारी ज़िंदगी में अपेक्षा है, वो सारी चीज़ें इस वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से जो प्लेटफॉर्म दिया है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी हो। ऐसे ही हमारे इसमें से जो प्रतिभा मैम और नितिन सर, इन्होंने भी सोचा था और आज वेस्टेज में से आए और वेस्टेज के माध्यम से जो गाड़ी लिया उन्होंने, रियली में मेरे तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैडम ने अपने सपनों की कार कैसे ली और आज उनको कैसे महसूस हो रहा है, तो आज उन्हीं के मुंह से उनकी सपनों की जर्नी सुनते हैं। तो मैम आज आप आपके बारे में बताइए सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ प्रतिभा नितिन हुड़कर 2 साल पहले इस सिस्टम में आई थी, मैसेज ज्वाइन किया था। मैंने ये सोच के किया नहीं था कि भाई करना है, सिर्फ ज्वाइन हो गई थी क्योंकि किसी ने बोला था, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य नहीं था, कुछ टारगेट नहीं था, कुछ इरादे नहीं थे, बस किसी ने बोल दिया ज्वाइन हो गई, लेकिन काम कुछ कर नहीं रही थी। इधर ज्वाइन तो हो गई, बाद में अपलाइंस की कॉल आ रहे थे कि मैडम मीटिंग, मैडम मीटिंग, तो हाँ ना करते करते एक मीटिंग में चली गई। वहाँ से इतना बोर हो रहा था संडे के दिन कि लगा कि स्पेशल है, मेरे संडे पूरा वेस्ट हो गया। मैं 3 घंटे यही घर पर रहती तो बढ़िया मूवी देखती और बढ़िया से हमें अपना मजा करती, लेकिन वहाँ मीटिंग में जाकर बहुत बोर हो रही थी। ठीक है, मीटिंग नहीं समझ में आई, सब प्रोडक्ट्स और प्लान मेरे समर्पित दिमाग के ऊपर से चले गए, लेकिन लास्ट में जो अंजनी कुमार का जो वीडियोस लगाया, दिखाने वाले उसको नहीं वीडियोस के तौर पे दिखा रहे थे, लेकिन मैंने फिल्म समझ के वो देख लिया। तो जब मैं देख रही थी वो सर को बोलना तक नहीं आ रहा था ठीक से, फिर सोचा कि यानी इनको बोलना भी नहीं आ रहा है और यानी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई ये कर सकते हैं। फिर सैलरी देखो तो ऐसे 5 लाख 6 लाख, ऑडी मर्सिडीज, फॉरेन टूर, मस्त लग्जरियस लाइफ थी। तो लगा कि नहीं यार सही में कुछ है इसमें। फिर मैंने सेट किया, थोड़ा सा वेस्ट की हिस्ट्री चेक किया, तो उसमें तो एक से एक बढ़कर हिस्ट्री मेरे सामने आई, एक से एक लोगों की हिस्ट्री मेरे सामने आई। तो नहीं, मुझे करना है और सही तरह से जानो चाहिए। उस दिन मैंने खुद को जाना कि नहीं मैं क्या कर सकती और क्या हूँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी है, क्या हुआ मैं गांव से हूँ, क्या हुआ मैं एक वाइफ हूँ, क्या हुआ मैं घर में हूँ, मेरी फैमिलीज है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे करना था बस, आई कैन डू इट करके मैंने शुरू किया करते गई। उन सबको देख कर एक समझ में आया कि जो इंसान संग जो इंसान
संघर्षित नहीं होता ना, वो चर्चित भी नहीं होता। और जिसने खुद को बदला है ना, उसी ने दुनिया बदली है। मैंने खुद को बदला, काम को बदला, काम करना शुरू किया। अच्छे से चल रहा था, बहुत बेटर हो रहा था, परेशानी आ रही थी, बहुत सारी तकलीफें आ रही थी, वो तो अभी भी आती है, लेकिन फिर भी चल रहा था। करते गई, लेकिन क्या है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लोग मांग रहे थे, हंस रहे थे कि भाई क्या कर रही है, अच्छी खासी तो थी घर में, ये क्या नया काम पकड़ लिया। लेकिन नहीं, करती रही। और ऊपर से अप्लायंस लोग जो भी थे, थोड़ा सा इन्हें साथ छूट गया तो और मुसीबतें आ गई, तो इन्हें एकदम से डिमोटिवेट हो गई कि नहीं, नहीं हो सकता करके। लेकिन इसी पीरियड में और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि हेल्थ और हालात पूरे नहीं हाथ से छूट रहे थे। उसी पीरियड में मुझे मेरे गुरु, मेरे कोच राठी सर मिले, उनसे जब बात हुआ तो मेरे समझ में आया कि नहीं, किसी भी हालत में आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने जो भी गाइडेंस किया, जैसे भी किया, उन्होंने यानी अच्छा लगा, उसके राह पर मैं चली। ऊपर से मेरे जो डाउन लाइन है, मेरा राजस सर है, तो उन्होंने भी बहुत सा गाइडलाइन किया, क्योंकि ऊपर से अपलाइन का प्रेशर था, नीचे से डाउनलाइन का प्रेशर था। ये बोल रहे थे कि मैडम आप छोड़ दोगे क्या करोगे। ऊपर से राजा सर बोल रहे कि मैडम आप सिर्फ 1500 पीवी का बिजनेस नहीं निकाल सकते, साइड बिजनेस से किया स्टार लेवल होकर। तो थोड़ा सा ने लगा, फिर बिजनेस शुरू किया और करते करते आज डायमंड पोस्ट पे हूँ। 40 से 50 हज़ार रुपये जो पे आउट निकलता है वो ले रही चेक। और आज आप देख ही रहे हो रिजल्ट कि मेरा क्रेता आ गया है, क्रेता कार एक टाइप है, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं यानी इस युवा अवसर पे यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि अपने आप को कभी ना कमज़ोर मत समझो, हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी कमज़ोर मत पड़ो। हाउस वाइफ है तो क्या हुआ, घर संभालते हुए भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक हाउस वाइफ का वही प्रॉब्लम होता है कि नहीं, घर के लोग नहीं बोल रहे, मिस्टर नहीं बोल रहे, सास ससुर नहीं बोल रहे। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसे भी फैमिली मेम्बर होते हैं। कि मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा, सास ससुर को, कि जिन्होंने मुझे करने दिया और यानी बहुत सारी हेल्प करते हैं। अभी भी अगर मेरी कोई मीटिंग है, मैं जा रही थी तो बोलते कि नहीं तेरे को ना देर हो जाएगी, ये ले फटाफट खा ले, यानी थाली परोस के लाते हैं मेरे सामने, बोलते कि नहीं तू खा बाद में जा, हम लोग सब संभाल लेंगे, तो मैं मीटिंग कर पाती हूँ। बाद में थैंक्स करना चाहूँगी नितिन जी का, वो तो ऑलरेडी यानी सपोर्टिव है मेरे मम्मी पापा को, कि उनकी वजह से मैंने यानी जन्म लिया और ये सब कुछ देखने को मिला। तो थैंक्स सभी को, और गॉड को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक पीरियड ऐसा आया था कि पूरा छूट गया था, लाइफ छूट गई थी हाथ से, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे पे विश्वास किया, नहीं भाई इस बंदी में कुछ तो भी है, इसलिए इसको वापस भेज दो और कुछ करेगी, हिच भी रचेगी, इसलिए शायद उसने विश्वास किया। तो थैंक्स गॉड। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपनी बेटी को देना चाहूँगी कि आधा बिजनेस वही संभालती है मानो तो, और सिर्फ उसका यही बोलना है कि मम्मी जहाँ भी मैं जाऊँ ना तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे लोग तेरे नाम से पहचाने कि नहीं वो एम्बेसिडर प्रतिभा हुडकर ना, ये उसकी बेटी है श्रुति हुडकर करके। तो मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगी उसका सपना। और सबसे 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 ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं मेरे डायनामिक लीडर्स की, रिस्पेक्टिव डायनामिक एंड सपोर्टिव लीडर्स की, जो कि मुझ पर मैंने विश्वास करते मेरे कंधे से कंधा मिला के आज तक मेरे साथ चल रहे हैं और हमेशा चलते हैं। बहुत से लीडर है, बहुत से मस्त लीडर है, और वो भी यानी अपनी जो मंजिल है वो भी मैंने तय करेंगे ही करेंगे। और अगले एक साल में मैं हम सब लोग, हमारे जो भी ग्रेट लीडर है, मैं हम सब मिल के हमारे ग्रुप में कम से कम 10 गाड़ियों का टारगेट रखा है और वो आकर रहेगा। आ जाते हैं सर की जुबानी, कुछ सर से भी सुनते हैं। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज नितिन हुडकर। मैं 2 साल से अपने मिसेस के साथ में इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों जॉब में ये सब हासिल नहीं हो पाता, सपने अपन देखते ही नहीं पहली बात, और ये सब कुछ होता है इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पर। इसलिए आप भी हमारे साथ में आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वर्क कीजिए। ये हमारे सपने पूरे हुए, आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे। विश यू वेल। तो गाइस वो बोलते हैं ना यार कि साथ में जब आ जाते हैं तो बड़े से बड़ा गोल भी हिट करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये हमारी टीम की ताकत है, ये वेस्टेज की ताकत है, टीम सिनर्जी की ताकत है, जो हम मिल के सब लोग हर किसी का सपना तय कंप्लीट कर रहे हैं।
और बड़े से बड़े मुकाम और बड़े से बड़े सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। तो आइए मिलके साथ मिलके करते अपने सपनों के लिए, अपने चाहतों के लिए वर्क वेस्टिज के साथ, वेस्टिज के प्रोडक्ट, वेस्टिज मैनेजमेंट और वेस्टिज ऑल लीडर्स को। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू वेल, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।